अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। कहीं कहीं बारिश है, कहीं बूंदाबांदी है। तो आज हमने सोचा है कि कोई अच्छी यमी सी डिश बनाते हैं जो कि खा ली जाए बारिश के मौसम में, और क्लाउड है काफ़ी हद तक। तो ये आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि मैं आज क्या बनाने जा रही हूँ। एक्चुअली मैं बनाने जा रही हूँ स्टफिंग शिमला मिर्च। स्टफिंग शिमला मिर्च है और इसको मैंने ले लिया चार। कलरफुल तो बहुत अच्छी होती है। बाकी अगर आप चाहें तो इसमें ग्रीन भी ले सकते हैं, सिर्फ ग्रीन बना सकते हैं, और चाहें तो आप कलरफुल बना सकते हैं। चलते हैं हम किस तरह से बनाते हैं एक बार हम ये देख लेते हैं। ये मैंने चार अरोमा टमाटर यहाँ हमने काटे हैं, इसको चार टमाटर है। ये अनियन मैंने लाइट ब्राउन करके हमने कर ली, क्योंकि इसमें काफ़ी देर हो जाती है इसको अनियन को करना। तो ये अंडरस्टूड है कि आप प्याज काटेंगे, और अच्छी खासी ये एक किलो प्याज थी क्योंकि हमारा एक किलो कीमा था। ये गोट ग्राउंड है, एक किलो है, लेकिन थोड़ा सा थिक है, थिक लेना चाहिए जो डिश हम बना रहे हैं। और ये अनियन है तकरीबन एक किलो, जो आप देख रहे हैं कि ये देखिए इस स्टाइल में है और हल्की सी पिंक हो जाना चाहिए। बहुत से लोग ट्रांसपेरेंट रखते हैं, और हम जब करेला कीमा बनाते हैं उसमें ट्रांसपेरेंट हमें चाहिए, और यहाँ पर हमें पिंक चाहिए, हल्की सी गुलाबी चाहिए। अच्छा ये हो गई। अब हम मसाला इसमें क्या डाल रहे हैं। मसाला बड़ा ताज्जुब खेज है, ज़रा देखिएगा मैं इसमें क्या मसाला डालने जा रही हूँ। मसाला ये है क्रश की हुई मिर्च है, और इसमें ये जो नई मस्टर्ड सीड इसको कहते हैं, ये नज़र नहीं आ रही है इसलिए मैं इसको उठा के दिखा रही हूँ। मस्टर्ड सीड है ये क्रश की हुई, बहुत सारे लोग डालते हैं, ऑप्शनल है, आप चाहें इसको ऐसे डालें। ऐसे डालने में मेरा फ़ायदा ये होगा, ये कड़वा नहीं होगा, ये कीमा जो है इसमें कड़वा नहीं होगा। और ये हल्दी मैंने ले ली है डेढ़ चम्मच के करीब, क्योंकि इसमें येलो फ्लेवर ज़्यादा आना चाहिए। ये सौंफ है कुटी हुई, जीरा कुटा हुआ, नमक हसबे ज़ायका, धनिया कुटी हुई क्रश की हुई, और ये और कलौंजी, कलौंजी इसमें मिर्च में मिक्स हो गई, चूँकि ये सब ऐसे वैसे हो रहा है। एक अदद लेमन है हमारे पास, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मिर्च है। और अब हम तरतीब बताते हैं। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ना लगे। तो जिसमें हमने प्याज अभी निकाला है ब्राउन करके, यही बर्तन है, इसमें हमने निकाल लिया है। तो सबसे पहले अब हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, आप अगर चाहें व्यूअर्स तो इसमें पोटैटो की स्टफिंग भी कर सकते हैं। मसाला इंग्रेडिएंट्स वगैरह इसी तरह से होगी, ऐसे ही होगी। और जो मैं डालने के लिए जा रही हूँ, तो मैंने तो अपने घर में इसी तरह से सीखा है, इस तरह से, और आप जो स्टाइल जानते हैं उसमें आप बना सकते हैं। अगर आपको यूनिक लगता है तो आप इसको ले सकते हैं, ये स्टाइल हमारा। तो अभी थोड़ा सा इसका पानी थोड़ा सा ड्राई होने तक हम कीमे को इस तरह से हम चलाएंगे, ताकि इसमें अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसकी जो अपनी स्मेल होती है गोश्त की, तो वो ख़त्म हो जाए। इसमें कलौंजी ज़रूर डालिएगा। ये एक्चुअली आप इसको देखें तो ये अचार का मसाला है, ये जो मैंने जिस तरह से मिलाए ये सारी चीज़ें ऐसे ही अचार में जाती हैं। जब हम अचार बनाते हैं, एक दिन आपको सब्ज़ी अचार बना के सिखाऊंगी, तो सब्ज़ी अचार में ये मसाला जाता है जो अभी मैंने तैयार किया है। और
मस्टर्ड सीड जो है उसको क्रश मत कीजिएगा क्योंकि वो पूरा कड़वा हो जाएगा खाना। उसको साबुत डालिएगा, उसकी स्मेल, उसके फ्लेवर सब आएंगे खाने में। पानी इसका खुश्क हो गया था, ड्राई होने लगा था, तो मैंने ये डाल दिए इसमें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जो इसको इंजॉय कीजिएगा। ये हर मौसम में खाई जाती है, लेकिन ये इस वक्त मैंने सोचा कि स्पेशल आप लोगों को बना के दिखाऊं। तो व्यूअर्स, इसमें इंशाल्लाह ताला इसको स्टफिंग आप उससे भी कर सकते हैं, पोटैटो से भी कर सकते हैं, अनियन, इंग्रेडिएंट सारी ऐसे ही रहना चाहिए इसमें। और नमक आप हदवे दाखा डालें, आप नमक तेज़ हो जाता है तो हमारे घर के सब लोग नहीं खा सकते, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं पसंद आता। तो इसमें यही बात है कि, और ये मिर्चें हैं शिमला मिर्च, अभी इसको मैं इसकी ये डंडी यहाँ से इसकी कटिंग करके इसकी डंडी निकालें, इसको दोबारा इसमें स्टफिंग करने के बाद इसको धागे से हम लपेट देंगे। हमारे साथ रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। टमाटर ये डाल दिया व्यूअर्स हमने, अब ये थोड़ा कुक होगा, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। और नए आने वाले हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़, और कहीं नहीं जाइएगा, अभी हम आते हैं। व्यूअर्स, ये कीमा जो है भुन गया है, जब इस तरह से भुन जाए कीमा बिल्कुल, टमाटर देखिए इसमें नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल यकजां हो गया, और उस वक्त हम ये अनियन डालते हैं। अच्छा व्यूअर्स, हम आपको बताते चलें कि ये जो मसाला हमने अभी डाला है, जिस तरह से अनियन डाला है, जिस तरह हम इसी तरह से करेला भी बनाते हैं, और जो लोग करेला इस तरह से बनाते होंगे वो समझ गए होंगे, करेला कीमा भी हम इसी तरह से बनाते हैं, स्टफिंग करेले में भी हम यही चीज़ डालते हैं, मसाला यही होता है, अनियन ऐसे ही होते हैं, तरीक़ाकार भी यही होता है इसको। तो मैं बना चुकी हूँ, आप लोग प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको मेरी पीछे की जितनी वीडियोस हैं वो आप तक पहुँच जाएंगी। मेरा कहने का मकसद ये होता है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, सिर्फ यही एक मकसद होता है कि जो छूट गई हैं मेरी वीडियोस आपको, आप तक पहुँच जाएँ, आने वाले आप तक पहुँच जाए। शेयर कीजिएगा आप हमें, लाइक कीजिएगा प्लीज़। चलते हैं आगे की तरफ। ये हमने इसको भून लिया अनियन डाल के, ये चूँकि प्याज भी ऑलरेडी भुनी हुई थी, तली हुई थी, तो ये जो है हमारा कंप्लीट हो गया ये सेशन। अब हम ज़रा से इसको डिश आउट करके स्टफ करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कैमरा आपको दिखा सके, वर्स ये धागा है, इसमें पहले इसको मजबूती के लिए इस तरह से करेंगे, फिर इसको इस तरह से कर देना है, फिर सेकंड जो पहले नंबर पे हमने धागा लिया था, फिर उसको लेके इस तरफ से कर देंगे। ये धागा निकलने का खदशा होता है, तो ज़रा सा
ख्याल से बांधा जाए तो नहीं निकलेगा। बहुत मजबूत है धागा भाई। ये भर गया माशाल्लाह। वर्थ ये स्टफ हो गया पूरी तरह से। ये ऑयल है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, तो ट्राई कीजिएगा इस स्टफिंग शिमला मिर्च। आगे से आगे पहुँचाइएगा ताकि हमारी तमाम बहनों को ये डिश वो जो है पसंद करें और बनाया करें। ये बड़ी अच्छी डिश है, बड़ी ज़बरदस्त है, या पोटैटो के साथ भी बन सकती है। ये तैयार हो गया, अब इसको दम पे लगाना है। इसको दम पे लगाना है व्यूअर्स। इसमें इसको भी छाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ आवर के लिए ये दम पे लगा है। तो व्यूअर्स अभी अगर चाहें तो थोड़ी देर के बाद मैं इसको दोबारा फिर आप लोगों को ओपन करके दिखाऊं। वैसे डिश इसी तरह से बनती है और मैं आपको इंशाल्लाह फुल कुक दिखाऊंगी इसको। आप हमें शेयर कीजिएगा ताकि हमारी जितनी वीडियोज़ हैं आगे पीछे जो आई हैं, जो आ चुकी हैं, आने वाली हैं, आप तक पहुँच सके। गुजारिश है, और अपना बड़ा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अभी हम आधे घंटे के बाद मिलते हैं, कहीं ना जाइए। शिमला मिर्च हमारी हो गई है व्यूअर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह शिमला मिर्च हो गई है। इसे अब हम ओपन करके फिर वो जो मदीद क़ीमा है हम डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह कुक हो गई अच्छी तरह से माशाल्लाह। ये हमारी बड़ी यमी, बड़ी प्यारी सी डिश, देखने में लाजवाब,
लाजवाब। इसमें कुदरती कलर आपको नज़र आ रहे हैं, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त डिश है। ठीक है व्यूवर्स, आप इसको ट्राई कीजिए, इंजॉय कीजिए। आपके लिए सोच सोच के डिशेस लेकर आती हूँ। ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आपको मिले, और इसी नवयत की मिलती है हमारी वीडियोज़। तो आप कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट कीजिए कि ये आपने ट्राई किया या आपको कैसी लगी। अगर कोई हो फरमाइश हो तो आप कीजिएगा। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए आप सबका, हमारा अल्लाह निगहबान।